भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैश्चिकी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के इस श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। आज की कथा चित्रकूट धाम से हो रही है, जहाँ भगवान ने लगभग 11.5 वर्ष बिताए। आज हम नया अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं। कल हमने कुछ चर्चाएं की थी, तो मैं वंदना गुप्ता माता जी से निवेदन करूंगा। कल हमने क्या चर्चा की थी, क्या पढ़ा था कल कल कौन सा मुख्य रूप से कथा का भाग था? यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। नंद नंद महाराज के जो भाई है उपानंद जी, वो बोल रहे थे कि यहाँ से हम लोग वो दूसरे जगह जाने के लिए, यहाँ जहाँ हरी हरी घास है और बछड़े को भी ले जाने के लिए, तो बैलगाड़ी लोग और लोग पहले ही से चले गए थे और ये लोग बाद में फिर वहां जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ओ वृंदावन धाम हाँ, तो वृंदावन धाम जाने का प्रस्ताव रखते हैं, और जहाँ प्रस्ताव पे अभी रखने वाले चंद्र उपनंद थे, चंद्रोदय जो मंदिर बना हुआ है। कि जी नंद महाराज के बड़े भाई या छोटे भाई? बड़े भाई प्रभु जी, हाँ, बड़े भाई उपनंद। तो वो सुझाव देते हैं, उनके सुझाव पर वो जो है वृंदावन जाते हैं, और वहां पर कौन कौन सी लीला हो जाती है, किस किस को मार देते हैं? प्रियंका सिंह माता जी। यस। ऐसे क्यों कर रहे हो? करंट लग गया, ऐसा क्या हो गया? बोलिए प्रभु जी अचानक से नाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जी। बकासुर को मार वध करते हैं जी। यस, बकासुर का वध करते हैं, और क्या लीला होती है जिसका जस्ट एक लाइन में लिखा हुआ था? बाल लीला कृष्ण जी को बाल्य मार लीला दिया। है, जैसे कि उन्होंने राम भगवान की लीला में से क्या लीला की थी? यस, पूनम गर्ग माता जी, बताइए। पूनम गर्ग माता जी। हाँ जी, प्रभु मैं रिवाइज नहीं कर पाई हूँ प्रभु, कल पूरा सुन नहीं पाए थे हम, बहुत डिस्टरबेंस था घर में, ठीक है। आज टाइम डॉक्टर नीलम नहीं माता जी, और क्या लीला की, राम भगवान की क्या लीला का उन्होंने प्रदर्शन किया था, जो राम जी ने लीला की थी? डॉक्टर नीलम माता जी। यस, बकासुर का ही मेन था कि बकासुर का वध उन्होंने किया था। जी, और क्या किया था? राम भगवान की लीला का क्या नकल किया? यस, रीमा पटेल जी, बताइए। उन्होंने ब्रिज बनाया था, यस, ब्रिज। जैसे कि भगवान श्री राम जो है लंका जाने के लिए एक पुल बांधे थे, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भी इस लीला में प्रदर्शित किया गोपियों को कि मैं वही राम हूँ। ठीक है, और कोई बिंदु हम याद रखना है इस प्रकार से आज हम पूछ रहे हैं, जिससे कि हमें पुराना भी याद रहे, रिवाइज किया हुआ हो। आज हम नया अध्याय शुरू करते हैं। नया अध्याय संख्या क्या हो जाएगी आज? 65 65 65, 65वां। और अध्याय का शीर्षक क्या है पूर्विका जी? अघासुर का वध। अघासुर का वध। ये 65वां अध्याय नया शुरू हो रहा है, तो अध्याय की संख्या दे दीजिए, अध्याय 65, और इसका शीर्षक है अघासुर का वध। ठीक है, बहुत सुंदर, हरि बोल। इस अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। मैं आप में से एक एक भक्त के नाम लूंगा, वो अध्याय में एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, एक एक पैराग्राफ। ठीक है,
फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे। नेहा जैन माता जी, शुरू कीजिए। पहला पैराग्राफ, अगासुर के वध रूपी अध्याय का पहले पैराग्राफ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक दिन कृष्ण ने कौप फटने से पहले ही वन में जाने और अपने मित्रों के साथ वहीं कलेवा कलेवा करने का निश्चय किया। भैंस के सींगों से बने अपने बिगुल बजाते हुए कृष्ण ने उसकी मधुर ध्वनि से अपने मित्रों और बछड़ों को नींद से जगाया। बछड़ों को आगे रखते हुए कृष्ण और ग्वाल बाल गांव से बाहर निकले और वन में प्रवेश किया। वस्तुतः कृष्ण के हजारों मित्र थे और उनमें से प्रत्येक के पास हजारों बछड़े थे। वे सभी बालक अत्यंत सुंदर थे और पूरी तरह खेलकूद की तैयारी करके आए थे। सबके पास झोली में बंधा भोजन, अपना बिगुल, बांसुरी और बछड़ों को नियंत्रित करने के लिए लाठी थी। और चूंकि कृष्ण असीमित हैं, इसलिए उनके बछड़े की संख्या भी असीमित थी। बछड़ों की संख्या भी असीमित थी। बहुत बढ़िया, एक बार फिर से पढ़ेंगे कि क्या सब लोगों के पास बांसुरी थी, ऐसा लिखा हुआ है? पढ़िए फिर से वो लाइन। सबके पास झोली में बंधा भोजन, अपना बिगुल, बांसुरी और बछड़ों को नियंत्रित करने के लिए लाठी थी। यस, तो जी कहा जा रहा है लगभग सबके पास बांसुरी थी, जैसा यहाँ पर कहा गया है। क्या ये भागवत में भी ये लिखा गया है? कोई मदद करेंगे मुझे? यही लिखा हुआ होगा क्योंकि उसी का अनुवाद प्रस्तुत किया गया है यहाँ पर। तो यस, कहाँ की तैयारी हो रही है? एक दिन सुबह सुबह भगवान सूर्य भगवान के उगने से पहले ही उठ चुके हैं, और जो भैंस के सिंह का जो बिगुल बजाते हुए सबको उठा दिया है उन्होंने, और सब लोग गाय चराने के लिए, वन भोजन के लिए तैयार हो चुके हैं। सबने अपना भोजन, अपना बिगुल, अपनी बांसुरी सब कुछ बांध ली है, और इस प्रकार से सब लोग निकल गए हैं। ये दिव्य भगवान श्री कृष्ण की लीला शुरू होने जा रही है। दूसरा पैराग्राफ आप में से पढ़ेंगे इंदु सेना माता जी, पढ़िए। अब किताब लेने जा रहे हैं, वाह क्या बात है, धन्यवाद आपका। प्रियंका सिंह माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे यद्यपि कृष्ण। ग्वाल बालों की माताओं ने उन्हें रत्नों, मोतियों, गुंजों तथा स्वर्ण आभूषणों से सजाया था, जैसे ही वे सब वन में पहुंचे, उन्होंने पेड़ पौधों से ताजे फल, फूल, पत्तियां आदि तोड़ी और मोर पंखों के साथ स्वयं को और सजाने लगे। खेल खेल में किसी एक मित्र की भोजन पोटली चुरा लेते। जब उस बालक को पता चलता कि उसकी पोटली गायब है, तो वह उसे प्राप्त करने के लिए दौड़ता, परंतु जब सब बालक उस पोटली को उछाल कर एक दूसरे को पकड़ाते रहते, वे उसे बालक तब तक दौड़ाते रहते जब तक वह रोने लगता, तब वे हंसते हुए उसकी पोटली लौटा देते। कई बार कृष्ण वन की शोभा निहारने के लिए अकेले ही वन की ओर निकल जाते थे। जब ग्वाल बाल दूर से कृष्ण को अकेले खड़ा देखते, तो वे सब उनकी ओर मैं पहले कृष्ण का स्पर्श करूंगा कहते हुए दौड़ लगाने लगते। वन बहुत बढ़िया, हरी में बोल। कृष्ण हाँ आगे हैं। प्रभु जी, मेरी फ्रेंड मेरे पास है, इसलिए किताब उसके पास दिए हुए थे, सामने में बैठी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं माता जी, कोई बात नहीं। तो ये वाला पैराग्राफ पूरा हो गया, यस प्रभु जी। ठीक है। तो आप लोग सुनिए बहुत अच्छे से, ये सब ग्वाल वाल अपने आप को श्रृंगार किए, बहुत सजाया, सब लोग वन की तरफ गए, और वन में जो है एक बालक की जो भोजन की पोटली थी वो उठा ली। मुझे बहुत बुरा लगता था बचपन में जब अगर हमारे साथ ऐसा होता था, आप में से कितनों के साथ हुआ मालूम नहीं, सीधे साधे बालकों की पोटली वगैरह कुछ भी, पेंसिल ले लिया, उसका लंच बॉक्स ले लिया, या कुछ पेंसिल कुछ भी ले लिया, और उसके बाद इधर से उधर फेंकते थे, और इतना मतलब बहुत बुरा लगता। और आखिरकार क्या करते थे, जो यहाँ लिखा हुआ वही, जब तक वो रोता नहीं था तब तक उसको लौटाते नहीं थे, और फिर वो रो रहा है फिर उसको हंसते हुए लौटा दिया। वैसे ही ग्वाल वाल भगवान श्री कृष्ण आदि इसी प्रकार से खेलते थे, और कभी कभी जंगल में भगवान कृष्ण बहुत दूर चले जाते थे, और जब दूर चले जाते थे तो ग्वाल वाल उनको देखते ही फिर दौड़ लगाते थे कि कब सबसे पहले कौन स्पर्श करेगा। तो बहुत ही सुंदर ये दिव्य लीलाएं हैं, भगवान श्री कृष्ण की बाल पहले लीलाएं का जिसमें। रैगिंग है प्रभु जी, पहले का रैगिंग है प्रभु जी। पहले का रैगिंग है, धन्यवाद। बच्चे आपस में खेलते हैं, इसको तो रैगिंग नहीं कहेंगे, पहले का आपस में खेलने का तरीका है बच्चों का।
ठीक है, इंदु सिन्हा माता जी पढ़िए आगे, नेक्स्ट तीसरा पैराग्राफ, माइक अनम्यूट करके। वन में खेलते हुए जब बच्चे अलग अलग खेल खेलते, कुछ अपने विगुल और बांसुरी बजाते, कुछ बच्चे भ्रमरों के गुंजन और कोयल की कूक की नकल करते, कुछ बच्चे आकाश में उड़ रहे पक्षियों की भूमि पर पड़ने वाली परछाई के साथ साथ दौड़ लगाते, और कुछ अन्य बच्चे हंसों के चलने तथा पंख फड़फड़ाने की नकल करते, कुछ बच्चे बत्तखों के साथ चुपचाप जाकर बैठ जाते, और कुछ मोरों के साथ नाचते, कुछ बच्चे बंदरों के बच्चों को आकर्षित करते हुए बंदरों के साथ खेलते, कुछ बंदरों के समान अपने मुंह को टेढ़ा मेढ़ा करके उन्हें चिढ़ाते, और कुछ उन्हीं की तरह वृक्षों पर चढ़ने का प्रयास करते, कुछ बच्चे नदियों पर जाते और बहते झरनों को पार करने का प्रयास करते, कुछ अन्य बच्चे मेंढकों के समान छलांगे लगाते और अपनी परछाई को जल में देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ते, कुछ बच्चे कुएं में झांकते हुए आवाजें निकालते, और जब उनकी प्रतिध्वनि आती तो वे उसे भला बुरा कहते। इस प्रकार कृष्ण के मित्र बनकर खेल रहे इन ग्वाल बालों ने निश्चित ही अपने पूर्व जन्मों में ढेर सारे पुण्य अर्जित किए होंगे। भला इस संसार में कौन उनके सौभाग्य की गणना कर सकता है। इस प्रकार जब कृष्ण और ग्वाल बाल खेल रहे थे, तभी कंस द्वारा भेजा गया एक अत्यंत शक्तिशाली असुर अघासुर वहां आ पहुंचा। वह पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। देवता भी उससे इतने भयभीत थे कि वे भी सदैव उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा करते। पैराग्राफ पूरा हो गया जी जी। तो बहुत ही सुंदर कि बच्चे आपस में कैसे खेल रहे हैं, कोई उड़ते हुए पक्षी की नकल कर रहा है, कोई बतख के पास चले जा रहा है, कोई मेंढक बन रहा है, कोई झरने के पास खेल रहा है, कोई आपस में खेल रहे हैं चीजों को उछालते हुए। बहुत ही सुंदर एक रमणीय दर्शन है ये, बच्चे खेल रहे हैं आपस में। ये बच्चे कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा है। फिर आगे लिखा गया है कि क्या, ये बहुत सुंदर श्लोक है, अगर आप डिस्प्ले कर पाए ये वाला श्लोक तो। कृतक पुण्य पुण्य करके एक बहुत सुंदर श्लोक है ये, जो बालकों के, जो ये बच्चे जो खेल रहे हैं उनके सौभाग्य के प्रति दर्शाया गया ये श्लोक है भागवत में। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि इन बालकों ने क्या पुण्य किए होंगे जो भगवान श्री कृष्ण के साथ इनको क्या करने को मिल रहा है, खेलने को मिल रहा है, खेलने बिल्कुल मिल रहा है, खेलने को क्या क्या पुण्य खेलने को होंगे, मिल है ना, खेल रहे हैं। और हम उनका खेल देख करके अभी सब लोग मुस्कुराने लगे, हम सब लोग, ये अच्छा, अरे वाह, ऐसे खेल रहे थे, तो इतना दिव्य ये खेल है और हम सब लोगों को आनंद प्रदान करने वाला है। हम आसानी से भगवान श्री कृष्ण को याद रख सकते हैं लीलाओं के माध्यम से। फिर जो है बकासुर और पूतना का छोटा भाई, वहां पर कौन आ जाता है? अघासुर। अभी 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 तक कौन कौन से असुर को मार दिया है, कौन बताएगा? आप में से हाथ खड़ा करो, बोलना नहीं है, जब तक हाथ खड़ा रहेगा वही उनसे ही पूछूंगा। अभी कौन कौन से, अभी तक कौन कौन से राक्षस को मार दिया है? यस, इंटेलिजेंट पूर्विका जी बताइए। पूतना, वत्सासुर, शप्तासुर और शप्तासुर, वत्सासुर अब अगासुर को मारने जा रहे, बकासुर बकासुर कहाँ गया? भी, बकासुर, बकासुर हाँ, सबसे पहले पूतना, फिर पूतना, शकटासुर, फिर शप्तासुर, त्रिणावर, त्रिणावर, हाँ, त्रिणावर, और उसके बाद वत्सासुर, बत्सासुर, और अब उसके हकासुर, बाद अब बकासुर, और उसके बाद अब जो है अगासुर। अगासुर की मृत्यु का खेल खेलने जा रहे भगवान। और ये अगासुर है कौन? पूतना और बकासुर का ही छोटा भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्लोक मिला भावना जी? कृत पुण्य पुंजात ऐसा करके श्लोक आता है। आप सब लोग इस श्लोक को जरूर नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यस, आप बड़ा कर सकते हैं।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कौन सा श्लोक नंबर था? सॉरी, श्लोक नंबर तो नहीं बताया मैंने, मुझे भी नहीं मालूम, याद नहीं आ रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, याद मुझे याद है, मैं बोलूं 10 12 11 जी, तो वो तो मैंने दस डिस्प्ले बारह किया ग्यारह था, वही डिस्प्ले किया दस था मैंने, बारह ग्यारह वही किया था, उसमें कृत पुण्य नहीं आया था ना। मे भी मैं गलत बोल रहा हूँ, 10 12 11 डिस्प्ले कीजिए। अपने शुभम प्रभु आपको उच्चारण करना आता है तो कीजिए। जी प्रभु जी, इत्थम ब्रह्म इत्थम सुखाम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास दास्यम गतानाम पर दैवतेन। यस और माया माया सीताराम नर दारकेण, और वही अंतिम वाला जो आपने बोला वो है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ दूं? साकम भी 10 12 कितना बताया, 11 दस बारह ग्यारह 10 12 11। देखिए लास्ट में लिखा हुआ कृत पुण्य पुंजा लास्ट में है। यस, तो माया श्रिता नर का नर दारकेण साकम विहजुम कृत पुण्य पुंजा। बहुत ही सुंदर श्लोक है। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम पर देवतेन माया श्रितानाम नरदारकेण साकम विहजुम कृत पुण्य पुंजा। बहुत सुंदर श्लोक है ये इसके अंतर्गत। और फिर से ये श्लोक आप सब लोग नोट कर लीजिए, नंबर 10, मैं फिर भूल गया, 10 12 11 बारह ग्यारह 10 12 11 राइट, दस ग्यारह बारह प्रभु 10 11 12। अच्छा दस दस बारह बारह ग्यारह प्रभु जी उल्टा दस बोल रहे, बारह दस ग्यारह बारह जी ग्यारह जी 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 माता जी, गुस्सा मत करना आप 10 12 11 ठीक है। और इसका अनुवाद पढ़ेंगे हम, और फिर मैं आपको एक और श्लोक के लिए बोलता हूँ, जो पूतना के सौभाग्य के बारे में श्लोक बताया गया है, वो भी एक बहुत सुंदर श्लोक है। और उस श्लोक में शुरुआत होती है, किसी को याद आ रहा है? हाँ अहो अहो बकियम, यस वेरी नाइस। तो ये वाला किसने बोला अभी, अहो बकियम स्तन काल कूटम, यस किसने बोला अहो बकियम? हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ किसने बोला, नाम बताओ ना। श्री हरि प्रिया। श्री हरि प्रिया जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो पहले ये वाला अनुवाद पढ़ लेते हैं, एक बार छोटा कर लीजिए। यस लास्ट वाले का ही पढ़ना है, तो किसी और का माइक ऑन हो गया नहीं? अच्छा ठीक, हाँ पढ़ लेते हैं, लास्ट में से पढ़ रहे हूँ, आप लोग पूरा नहीं पढ़ रहे हैं इसको। The cowherd boys, having accumulated the result of pious activities of their many lives, were able to associate in this way with the supreme personality of Godhead. How can one explain their great fortune? कौन इसको समझा सकता है कि कितना बड़ा परम सौभाग्य था इन ग्वालों का, जो भगवान श्री कृष्ण के साथ इस दिव्य लीला के अंदर भाग ले रहे हैं और खेल रहे हैं भगवान के साथ में, क्या उन्होंने कितने पुण्य किए होंगे। इसलिए लिखा हुआ है कृत पुण्य पुंजा, अक्यूमुलेटेड द रिजल्ट्स ऑफ लाइफ आफ्टर लाइफ पायस एक्टिविटीज, कितने जन्मों के पुण्य होंगे जो भगवान श्री कृष्ण के साथ खेल पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। वो पूतना वाला भी श्लोक हो गया हो तो डिस्प्ले कर दीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे।
ये सब भक्त लोग नोट कर लेना, 10, 12, 11 ये नोट कर लीजिएगा, जो कि सौभाग्य के बारे में बताता है कि उन ग्वालों का क्या सौभाग्य था। 10, 12, 11। शुभम प्रभु, कैसे श्लोक याद किए, सबको मदद कीजिए, आपने ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट श्लोक याद कर रखे, कैसे याद हुए? यस शुभम प्रभु। प्रभु जी, प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में कभी कभी कोट करते हैं ये अक्सर जो है वो। यस। अहो बकीयम, कौन सा श्लोक है? श्लोक संख्या बता दीजिए, इजी होगा जी डिस्प्ले प्रभु करने में। जी, तीसरे कांटो में है उद्धव विदुर के संवाद। यहाँ पर नहीं है? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, थ्री अच्छा, इस तीसरे पॉइंट कैंटो टू का पॉइंट टू थ्री 3.23 थ्री पॉइंट टू टू पॉइंट टू थ्री 3.2.23 जी प्रभु थ्री जी। पॉइंट टू पॉइंट टू थ्री श्री हरिप्रिया जी बता रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अहो बकीयम स्तन काल कूटम झिंगाशया पाय यस यद अप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्री च्युताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, उसी प्रकार से व्रजेम, जाओ शरण लो। अनुवाद क्या है देखिए, अलास हाउ शैल आई टेक शेल्टर ऑफ वन मोर मर्सीफुल देन ही हु ग्रांटेड द पोजिशन ऑफ मदर टू ए शी डीमन पूतना ऑल दो शी वॉज अनफेथफुल एंड शी प्रिपेयर डेडली पोइजन टू दी शक्ड फ्रॉम टू बी शक्ड फ्रॉम हर ब्रेस्ट। ऐसे करके ये बहुत ही सुंदर बता रहे हैं कि मैं हाउ शैल आई टेक शेल्टर ऑफ वन मोर मर्सीफुल, उनसे और कौन दयालु होगा, ऑन कौन कृपालु होगा, जिन्होंने पूतना जो अपने स्तन पर विष लगा करके आई थी उसको उन्होंने किसका स्थान दे दिया? ग्रांटेड का माँ का प्रभु जी द का माँ पोजिशन ऑफ ए मदर, एक माँ का स्थान दे दिया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम है, बहुत सुंदर। हरि बोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब अगला पढ़ेंगे। यस, आप ही पढ़िए माता जी जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं। हाँ माता जी पढ़िए, मोहिनी माता जी, मंजू गुप्ता माता जी, मोहिनी माता जी पढ़िए आगे का पैराग्राफ। जब अघासुर ने देखा कि ग्वाल बाल खेल कूद में कितना सुख ले रहे हैं, वह इसे सहन नहीं कर पाया। अघासुर ने सोचा, इस कृष्ण ने मेरे भाई और बहन का वध किया है, और जब तक मैं इस कृष्ण का उसके सब मित्रों सहित वध नहीं करूंगा, तब तक मेरे मृत भाई बहन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और एक बार ये सब बच्चे मर गए तो इस विरह में वृंदावन वासी भी जीवित नहीं रह पाएंगे। इस प्रकार अपना मन बनाकर अघासुर ने महिमा सिद्धि का प्रयोग किया और 13 किलोमीटर लंबा एक विशालकाय सांप का रूप धारण कर लिया। उसका शरीर एक पर्वत के समान आसमान को छू रहा था। उसके मुख को एक विशाल गुफा जैसा फैलाकर वह धरती पर लेट गया और बच्चों को निगलने की प्रतीक्षा करने लगा। अघासुर का निचला होंठ भूमि पर तथा ऊपरी होंठ आकाश में ऊपर उठा था। उनके चिकनी जीभ एक राजमार्ग के समान चौड़ी थी। उसके सांस गर्म वायु के समान थी और आंखें मानो अग्नि की दो गोले थी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये पेज पूरा हो गया प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अगासुर का वर्णन किया गया है कि अगासुर बदला लेना चाह रहा था, और उसके मन में क्या था कि मैं इन सारे बालकों को मार देता हूं, और सारों बालकों को मारने के लिए उसने कौन सी सिद्धि का उपयोग किया? बोलिए। महिमा सिद्धि, महिमा महिमा सिद्धि। उससे क्या करेगा, अपने आप को बड़ा से बड़ा करेगा, और उसने अपने को 13 किलोमीटर बड़ा कर दिया, और उसका ऐसा लग रहा था कि उसका आकार आसमान को छू रहा है, और उसने एक होंठ या नीचे का जबड़ा जमीन पे, ऊपर का जबड़ा
आकाश में और बीच में बोल रहे हैं कि जैसे जीभ उसकी क्या बन गई, राजमार्ग, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे टू अगासुर। तो इस प्रकार से उसने अपना रूप बनाया और वो रूप बनाकर वहां पर फैल गया, बैठ गया और इंतजार करने लगा कि कोई ना कोई तो मेरे मुख में आएगा इसको गुफा समझ करके। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे हम। भावना साहू जी पढ़िए। जैसे ही ग्वाल बालों की पहली दृष्टि अगासुर पर गिरी, उन्हें लगा कि वह कोई सजावटी मूर्ति है, परंतु कुछ बच्चे समझ गए कि वह मूर्ति नहीं अपितु एक विशाल अजगर है। उन्होंने कहा, अरे मित्रों, क्या यह अजगर मरा हुआ है अथवा जीवित है जो हम सबको निगलने के लिए अपना मुंह फैलाए लेटा है? वे आपस में चर्चा करने लगे। निश्चित ही यह अजगर हम सबको निगलने के लिए आया है। इसका ऊपरी होंठ सूर्य प्रकाश की लालिमा से युक्त एक बादल जैसा प्रतीत होता है और निचला होंठ उस बादल की लाल परछाई जैसा। इसके मुख के भीतर गहन अंधकार छाया है, मानो किसी पर्वत की गुफा हो, और इसके दांत किसी पर्वत की चोटियों के समान दिख रहे हैं। देखो, उसके मुख से बाहर आ रही सांसें कितनी गर्म हैं, और वह इसके द्वारा खाए गए प्राणियों के मांस की दुर्गंध से भरी है। अरे वो तो उसकी सांस है, उसके द्वारा खाए गए। भावना जी जल्दी से बता दीजिए कितने पेज का है ये अध्याय, फिर उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। एक बचा हुआ है, अभी ये और फिर आधा। बचा हुआ है। ठीक है, तो अगासुर के मुख का, उसके शरीर का वर्णन किया गया है और उसमें हम देख रहे हैं कि उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने बहुत सारे प्राणियों को खाया है और उस खाने की वजह से क्या हो गया, उसके मुंह से दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है, बैड स्मेल आ रही है। और वो भी जो ग्वालवाल है वो देख करके थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, कुछ तो समझ रहे हैं ये क्या है, मूर्ति है। मूर्ति मतलब समझ गए, या मूर्ति से क्या मतलब है, भगवान की मूर्ति नहीं, ये कोई ऐसे खिलौना टाइप है जो रखा हुआ ऐसे बनावटी है। और कुछ समझ गए कि ये कोई ना कोई क्या है, जाल है, इसमें हम फंस सकते हैं, हमारे को फंसाने के लिए शायद ये जाल बिछाया गया है, इस प्रकार से कुछ इस प्रकार समझ रहे थे। आगे पढ़ेंगे हम अब। यस, प्रमोद कुमार गुप्ता जी आगे पढ़िए। अंत में उन्होंने निर्णय लिया, क्या यह प्राणी हमें निगलने के लिए आया है? यदि आया भी है तो कोई बात नहीं, यह भी बकासुर के समान ही मारा जाएगा। ग्वाल बालों ने श्री कृष्ण के सुंदर मुख की ओर देखा और जोर जोर से हंसते और तालियां बजाते हुए उस अजगर के मुख में प्रविष्ट हो गए। उन बालकों को कृष्ण पर पूरा भरोसा था, क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष देखा था कि कैसे कृष्ण ने बकासुर से उनकी रक्षा की थी। वास्तव में वे उस असुर के मुख में प्रवेश करने तथा बाद में कृष्ण द्वारा बचाए जाने दोनों का आनंद लेना चाहते थे। कृष्ण से भला अगासुर की पहचान कैसे छुपी रह सकती थी? इसलिए उन बच्चों की बातें सुनते हुए कृष्ण थोड़े चिंतित हो गए कि कहीं ये बालक सच में उस असुर के मुख में प्रवेश न कर जाए। वे उन्हें रोकने का विचार कर रहे थे कि सब बच्चे कूदते फांदते अपने बछड़ों के साथ अगासुर के मुंह में जाने लगे। उन सबको निगलने के बाद भी अगासुर अपना मुख खोले पूर्ववत लेटा रहा। वह कृष्ण के प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहा था। अरे वो तो अगासुर के बारे में वर्णन भी हुआ। अब हम देख रहे हैं ये दर्शन जो है, बहुत सुंदर पेंटिंग है, आप देख सकते हैं डिस्प्ले किया गया है। तो बहुत सारे बालक अनुमान लगा रहे हैं और आखिरकार उन्होंने निष्कर्ष भी निकाल दिया कि अगासुर कौन है, एक बहुत बड़ा भयावह राक्षस है और हम लोगों को निगल जाएगा। लेकिन उनको तो क्या है भाई, उनको तो आदत लग गई है, अपने क्या है, कृष्ण है ना। उनको क्या हो गया है, उनको आदत लग गई है, अपने क्या है, अपने तो कृष्ण है, बकासुर से बचाया तो बकासुर का बड़ा भाई छोटा भाई जो भी आ जाओ, क्या आया गासुर आ जाओ। तो ऐसे करके ये बालक लोग जो हैं आपस में चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करते हुए जाए नहीं जाए ऐसे सोच रहे, पर जाएंगे तो क्या हुआ, ठीक है कृष्ण बचा लेगा, तो ऐसा कहा लिखा हुआ यहाँ पर
कि वो दोनों बात का आनंद लेना चाहते थे, कि उस अघासुर की गुफा का आनंद भी लेना चाहते थे, उसके मुख में भी जाना चाहते थे और कृष्ण द्वारा बचाए जाना भी चाहते थे। तो इसको मालूम नहीं बचपन से कैसे जोड़ेंगे। कई बार बच्चे जो कहते हैं कि मुझे पापा ऊपर फेंक दो ऊपर फेंक दो, यस ऊपर जाने का एक मजा है और वापस उसको बचाने का भी एक मजा, तो नहीं बोलेंगे आनंद है, खुशी है जो उन बच्चों को प्राप्त होती है। तो उसी प्रकार से बच्चे अघासुर के मुख में प्रवेश करना चाहते हैं और वो मुख में प्रवेश करके दो बातों का आनंद लेना चाहते हैं। एक बात तो ये कि अघासुर के मुख में प्रवेश किया हमने, बहुत भयानक डेंजरस, वो आजकल क्या गेम बोलते हैं बचपन से सीखा था, ट्रूथ एंड डेयर, डेयर चलो डेयर है तुम घुस सकते हो, कि बोला हम घुस भी जाएंगे और बच भी जाएंगे। तो इस प्रकार से ये बालक जो है उस अघासुर के मुख में प्रवेश कर जाते हैं। अब अघासुर जल्दबाजी नहीं करता, चालाक है बहुत, बोला अभी मुख बंद कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। और कृष्ण को मालूम था कि ये अघासुर है, ये राक्षस है और ये हानि पहुंचाएगा और ये हमारे मेरे दोस्त मित्रगण क्या बातें कर रही है कि इसके अंदर जाना है फिर कृष्ण बचाएगा। अरे अरे क्या सोच रहे हो तुम, मुझे क्या समझ रखा है तुम लोगों ने। तो इस प्रकार से कृष्ण विचार ही कर रहे थे कि सारे ग्वाल बाल उनके मुख के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण जो है अभी प्रवेश किए नहीं है, तो अघासुर जो इंतजार कर रहा है कि भगवान कृष्ण प्रवेश करें और मैं मुख को बंद करूं। अब आगे क्या होता है पूनम गर्ग माता जी पढ़ेंगे। जब कृष्ण ने देखा कि बिना जब कृष्ण ने देखा कि बिना अधिक विचार के सब बालक निस्सहाय रूप से उस असुर के पेट में पहुंच चुके हैं, क्षण भर के लिए वे चिंतित हो उठे। उन्हें समझ नहीं आया कि अब क्या करना चाहिए। कृष्ण के लिए अपने मित्रों से विरह असहनीय थी, परंतु यह सब तो उन्हीं की योग माया का रचा हुआ खेल था। कृष्ण विचार करने लगे, क्या करूं, मुझे मुझे इस असुर का वध भी करना है, परंतु उसके पेट में मूर्छित पड़े मेरे मित्रों को भी कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए कृष्ण भी अघासुर के मुख में प्रविष्ट हो गए। यह देखकर बादलों के पीछे छिपकर पूरे दृश्य को देख रहे देवगण शोकातुर हो चिल्लाने लगे, हाय हाय, और कंस जैसे असुर हर्षित हो उठे। देवताओं की चिल्लाहट को सुनकर कृष्ण ने अघासुर के पेट में पहुंचकर अपना आकार बढ़ाना आरंभ कर दिया। यह देखकर वह असुर भी अपना आकार बढ़ाने लगा, परंतु उसका प्रयास विफल हो रहा। कुछ ही क्षणों में उसकी सांसें थम गईं, दम घुटने लगा और आंखें अपनी कोटरों से बाहर निकल आईं। शरीर के किसी भी छिद्र से बाहर न निकल पाने के कारण उस असुर की प्राणवायु अंत में उसके सिर को फोड़कर बाहर निकल आई। उस समय कृष्ण ने अपने मृत बछड़ों और बाल मित्रों को देखा और वे सब तुरंत उठकर खड़े हो गए, और तब मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान मुकुंद उन सब के साथ उस असुर के मुख से बाहर आ गए। हरे कृष्णा प्रभु। वापिस पढ़ना लास्ट में, बाहर मुख से बाहर आना। छिद्र से बाहर न निकल पाने के कारण उस असुर की प्राण वायु अंत में उसके सिर को फोड़कर बाहर निकल आई। उस समय कृष्ण ने अपने मृत बछड़ों और बाल मित्रों को देखा और वे सब तुरंत उठकर खड़े हो गए, और तब मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान मुकुंद उन सब के साथ उस असुर के मुख से बाहर आ गए। सुर के मुख से बाहर आना, ठीक है, बहुत सुंदर लीला है। तो आप देख पा रहे हैं कि आखिरकार फिर भगवान जो है प्रवेश कर जाते हैं उन बालकों की, ग्वाल वालों की और कुछ बच्चों की चिंता करते हुए, और फिर यह अघासुर अपना मुख बंद कर लेता है और उसको बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने कृष्ण को मार दिया है। इस प्रकार से वो खुश हो रहा है और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अंदर जाते तो देखते हैं कि ग्वाल वाल और सारे बछड़े मूर्छित हुए हुए हैं। तो भगवान अपना आकार बढ़ाना शुरू करते हैं, ये अघासुर फिर अपना आकार बढ़ाना शुरू करते हैं। इस प्रकार से अघासुर कोशिश करता है लेकिन ज्यादा आकार बढ़ा नहीं पाता है, और भगवान फिर आकार बढ़ाकर क्या कर लेते हैं सुमन माता जी, आकार बढ़ा के क्या करते हैं? यस हरे कृष्णा प्रभु जी। आकार बढ़ाते हैं तो उसका जो असुर की जो प्राण वायु होती है वो सिर फोड़ के उसके ऊपर से निकल जाती है, और सब बच्चों यस आकार को बढ़ाने के देखते हैं। कारण असुर जो है बहुत दुखी हो जाता है, आघात हो जाता है और उसकी मृत्यु होने वाली होती है, क्योंकि इतना आकार बढ़ा देते हैं भगवान। अब उसका शरीर में प्राण जो है, उसके शरीर में प्राण वायु बच नहीं पा रही है, तो निकलने के लिए उसके
सिर से वो प्राण से। वायु फूट करके, उसका सिर फूट करके वो बाहर निकल जाती है। इस प्रकार से अगासुर की मृत्यु हो जाती है। फिर भगवान श्री कृष्ण जो है उन सारे ग्वाल वालों को, उन बछड़ों को, सबको जिंदा करते हैं, अर्थात उनको वापस से जागृत करते हैं। और वो कृष्ण को देखते ही खुश हो जाते हैं कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ भैया, अगासुर के भी मजे ले लिए और कृष्ण के बचाने के भी मजे ले लिए। उस प्रकार से बहुत खुश हुए, हर्षित हुए। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर शिक्षा यहाँ पर लिखी हुई थी जो हमने मिस कर दी, कि ये जो ग्वालवाल थे, बछड़े थे, वो भगवान श्री कृष्ण पर पूर्ण रूप से समर्पित थे। जब भी कोई प्रॉब्लम है एक ही काम करना है उनको। जैसे आजकल लोग जैसे बताते हैं ना कि महिला को प्रॉब्लम हो तो क्या एप्लीकेशन आ गई है, उसमें बटन दबा दो तुरंत आपकी लोकेशन चली जाएगी, ये हो जाएगा, या उबर गाड़ी में बैठे हो, ओला में बैठे हो तो SOS का बटन है वो दबा दो तुरंत आपकी हेल्प हो जाएगी। तो ग्वाल वालों के लिए एक ही इमरजेंसी बटन था, एक ही इमरजेंसी डायल नंबर था, वो क्या था? कृष्ण कृष्णा, है एक ना। ही उनका बस, वो एक नंबर डायल करते थे, एक वो जस्ट जोर से हुंकार लगाते थे और भगवान उनका रक्षण करते थे। ये भगवान की दिव्य लीला है, भगवान बचा रहे उन ग्वाल वालों को। और फिर उन सब ग्वाल वालों को भगवान ने कहां से बाहर निकाला, रीमा पटेल जी कहां से बाहर निकाला? नहीं ऊपर से तो प्राणवायु निकली है, कहां से बाहर निकाला रूप बताइए? से रीमा पटेल जी सिर्फ पढ़ सिर्फ फोड़ के के बताइए, लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन है। सिर को तोड़कर निकल गई। श्री अरे भैया आप नहीं पूछ रहे हैं, प्रभु मुख से अंतुल के निकाला, मुख मुख से से बोल बाहर दिया। निकाला। बिल्कुल आप वो पूछ ही नहीं रहे जिनको पूछ रहे, उनको बताने दो ना। ठीक है, और लास्ट में पूछा भी था, लास्ट में मैंने पूछा भी था माता जी से कि कहाँ से बाहर निकले, पूनम माता जी से, तो बाहर कहाँ से निकले? मुख से बाहर निकाला भगवान ने उनको। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान जो है अपनी इच्छा से अधिक अपने भक्त की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। तो इसलिए अगर वो ग्वाल बाल और बछड़े वो सब लोग प्रवेश करना चाहते थे तो भगवान ने उनको जो है प्रवेश करने दिया, क्योंकि वो लोग प्रवेश करना चाहते थे। भगवान चाहते तो उनको रोक सकते थे, लेकिन ग्वाल वाल कहते नहीं हमें तो जाना है, देखना है, कृष्ण बचा लेंगे, तो भगवान ने उनको प्रवेश करने दिया। तो भगवान अपनी इच्छा से अधिक महत्व किसको देते हैं? अपने भक्त की इच्छा को। जैसे हमने नल कुबेर और मणिग्रीव की कथा में भी देखा था कि नारद मुनि ने इच्छा की तो भगवान कहते हैं मेरा कोई सरोकार नहीं है इन दोनों पेड़ों से, लेकिन फिर भी मैं इनको स्पर्श करूंगा, इनको मैं मुक्ति प्रदान करूंगा। क्यों? क्योंकि ये नारद मेरे मुनि के भक्त द्वारा श्रापित है, नारद मुनि ने इनको श्राप दिया कि ये एक ना एक दिन मेरा दर्शन करेंगे। इस प्रकार से अघासुर का वध हुआ, भगवान श्री कृष्ण और ग्वालवाल अघासुर के मुख से बाहर निकले। यस डॉक्टर रेशमा माता जी पढ़िए आगे। माइक अनम्यूट करके पढ़िए। अघासुर के विशालकाय शरीर से एक जीवन ज्योति बाहर निकली और उसने चारों दिशाओं को प्रकाशित कर दिया। तब तक कृष्ण उस असुर के मुख से बाहर नहीं आ गए। तब तक आकाश में प्रतीक्षा करने के बाद वह ज्योति कृष्ण के शरीर में विलीन हो गई। श्री कृष्ण द्वारा वध किए जाने के कारण अघासुर को मुक्ति प्राप्त हुई। थोड़ा सा वापस पढ़ना पड़ेगा इसको। जब तक बाहर नहीं आ जाते तब तक ज्योति कृष्ण में विलीन हो गई, कुछ थोड़ा सही पढ़िए। जब तक कृष्ण उस असुर के मुख से बाहर नहीं आ गए, तब तक आकाश में प्रतीक्षा करने के बाद वह ज्योति कृष्ण के शरीर में विलीन हो गई। श्री ठीक कृष्ण है, द्वारा वध किए जाने के कारण अघासुर को मुक्ति प्राप्त हुई। यद्यपि ब्रह्म रूप से प्रतीत होता है कि उसे सायुज्य मुक्ति अर्थात भगवान के शरीर में एक होने वाली मुक्ति मिली, परंतु आचार्य गण बताते हैं कि उसे सारूप्य मुक्ति मिली अर्थात उसे वैकुंठ में स्वयं भगवान विष्णु जैसा रूप प्राप्त हुआ। रिबो एक बार फिर से लाइन पढ़िए मुक्ति वाली। यद्यपि ब्रह्म रूप से प्रतीत होता है कि उसे सायुज्य मुक्ति अर्थात भगवान के शरीर में एक होने वाली मुक्ति मिली,
परंतु आचार्य गण बताते हैं कि उसे सारूप्य मुक्ति मिली, अर्थात उसे वैकुंठ में स्वयं भगवान विष्णु जैसा रूप प्राप्त हुआ। यह दर्शाता है कि जीवन के अंत में अघासुर ने भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण का चिंतन किया था, चाहे वह स्मरण एक क्षण के लिए ही क्यों नहीं था। बहुत सुंदर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगासुर की मृत्यु हुई, उसकी प्राणवायु बाहर निकली और उसकी आत्मा जो है जब उसके शरीर से बाहर निकल रही है, बाहर निकल गई है और बाहर वो आत्मा ऐसा प्रकाश फैला रही है सब जगह और वो इंतजार कर रही है भगवान श्री कृष्ण के अगासुर के मुख से बाहर निकलने का। और जब बाहर निकल गए हैं तो वो ज्योति जो है भगवान श्री कृष्ण के अंदर विलीन हो गई है, भगवान श्री कृष्ण में प्रवेश कर गई है। तो वैसे तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि वो ज्योति ब्रह्म रूप है, इसलिए वो जो भगवान श्री कृष्ण प्रवेश किए तो ये कौन सी मुक्ति हो गई, सबसे पहले वाली मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, विलीन हो जाना, भगवान के रूप में चले जाना, प्रवेश कर लेना। लेकिन आचार्य गण बताते हैं क्योंकि अंत समय में उसने थोड़े समय के लिए भी किसका स्मरण किया था, कृष्ण का स्मरण किया था, कृष्ण प्रवेश करेंगे मेरे अंदर, कृष्ण का इंतजार करता हूं मैं, कृष्ण को मुझे मारना है, इस कारण से आचार्य गण बता रहे हैं उनको कौन सी मुक्ति मिली, सारूप्य मुक्ति मिली। सारूप्य अर्थात आध्यात्मिक जगत में उसने भगवान की ही जैसा रूप प्राप्त किया, भगवान के एक एसोसिएट बन गए, भगवान के एक सखा बन गए। ये कौन, अघासुर। आगे बचा है कि अध्याय पूरा हो गया, यहाँ पर प्रभु बचा है थोड़ा सा आधा आधा पेज पेज महोदय है प्रभु और है यार जी। ओके 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 ओके। और भक्तों को मौका मिलेगा जो वीडियो ऑन करके बैठे हैं। यस, ममता पटेल माता जी जो कि हर्ष पटेल के नाम से ज्वाइन किए हैं, शुरू कीजिए माइक म्यूट करके। अत्यंत प्रसन्न होकर देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। अप्सराएं नाचने लगी और गंधर्व गण विभिन्न वाद्य यंत्र बजाते हुए भगवान का यशोगान करने लगे। और यहाँ पृथ्वी पर ब्राह्मण भगवान का गुणगान करते हुए वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे। जैसे ही ब्रह्मा जी ने इन ढोल धमाकों की आवाज सुनी, वे तुरंत सारा नजारा देखने के लिए नीचे आ गए। श्री कृष्ण का इतना गुणगान होता देखकर वे पूरी तरह विस्मित एवं आश्चर्यचकित रह गए। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और इस संसार में नंद और यशोदा के रूप में जन्म लेना उनकी महान कृपा का एक उदाहरण है। चूंकि अघासुर जैसे जघन्य पापी को सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो गई, फिर भला कौन उनकी कृपा का पार पा सकता है। यदि व्यक्ति एक बार भी श्री कृष्ण का चिंतन करता है तो उसे अघासुर के समान मुक्ति प्राप्त हो सकती है। फिर उन भक्तों का क्या कहना जो सदैव अपने हृदय में भगवान को धारण किए विचरण करते हैं। कुछ ही समय में अघासुर का शव सूख गया। बहुत लंबे समय तक वह वहीं पड़ा रहा और वृंदावन वासी कौतूहल वश वहां उसे देखने के लिए आते। जब कृष्ण ने अघासुर का वध किया तो उस समय कृष्ण 5 वर्ष के थे, परंतु ग्वाल बालों ने व्रजवासियों को इस घटना का ब्यौरा ठीक 1 वर्ष बाद दिया, मानो वह घटना आज ही हुई हो। यह सुनकर महाराज परीक्षित ने पूछा, यह कैसे संभव है कि कृष्ण ने कौमारावस्था में जब वे 5 वर्ष के थे में अघासुर का वध किया और ब्रजवासियों को उनकी पौगंड अवस्था जब वे 6 वर्ष के थे मैं इस घटना का इस प्रकार पता चला, मानो वह उसी दिन हुई थी। गुरुदेव, मेरे मन में इस विषय को जानने की बड़ी जिज्ञासा है। प्रतीत होता है कि यह भगवान की माया शक्ति का ही एक और खेल था। अपने अंतःकरण में श्री कृष्ण का स्मरण करने के कारण सुखदेव गोस्वामी क्षण भर के लिए अपनी बाह्य चेतना खो बैठे थे। जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को संभाला और महाराज परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देने लगे। हरी बोल। यहाँ पर पूरा हो गया, अच्छा पूरा हो गया प्रभु जी। ठीक है, बहुत सुंदर। तो महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देने जा रहे हैं। महाराज परीक्षित ने प्रश्न पूछा है कि लीला तो उनकी बाल अवस्था में हुई, 5 वर्ष की आयु में अघासुर को मारने की, लेकिन 1 वर्ष बाद जब उन्होंने बाकी ब्रजवासियों को बताई तो
वो एकदम ताजा क्यों लगी उनको, कैसे वो ताजा लगी, वो जो है वो आगे सुखदेव गोस्वामी जी बताने वाले हैं। लेकिन बताने से पहले वो क्या हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं, भाव यल हो गया है, अपनी नर्वस चेतना खो बैठे थे हो प्रभु जी गए, भाई रूप चेतना से। खो बैठे हैं, भावुक हो बैठे हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में और आगे वर्णन करने से पहले। तो बहुत ही सुंदर ये पैराग्राफ है, मैं चाहूंगा कि एक बार और पढ़ेंगे इसको। जो शुरुआत की बातें थी वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी। डॉक्टर नीलम माता जी पढ़िए, यस पढ़िए लास्ट वाला पैराग्राफ, दो दो लाइन पढ़ना, फिर मैं बीच में स्टॉप बोलूंगा। कुछ ही समय में अघासुर का शव सूख गया। बहुत लंबे समय तक वह वहीं पड़ा रहा और वृंदावन वासी पहले का वाला भी पढ़ना पड़ेगा, उससे पहले वाला। उससे पहले श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और इस संसार में नंद और यशोदा के रूप में जन्म लेना उनकी महान कृपा का उदाहरण है। चूंकि अघासुर जैसे जघन्य पापी को सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो गई, फिर भला कौन उनकी कृपा का यह फल पा सकता है। यस, अघासुर जैसे राक्षस को उन्होंने सारूप्य मुक्ति दे दी, तो उनकी कृपा का फल कौन नहीं प्राप्त कर सकता। अघासुर जैसा राक्षस जो है वो देख सकते हैं ये सारूप्य मुक्ति के दर्शन है। अघासुर को इस प्रकार का रूप प्राप्त हुआ, भगवान श्री कृष्ण जैसा ही रूप, सारूप्या, देखिए सभी लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, सारूप्या, कृष्ण जैसा ही रूप प्राप्त हुआ अघासुर राक्षस को। यस, तो कौन भगवान श्री कृष्ण की कृपा का पात्र नहीं बन सकता है। बहुत ही सुंदर ये बात लिखी जा रही है, बताई जा रही है सुखदेव गोस्वामी जी द्वारा परीक्षित महाराज को आगे। यदि व्यक्ति एक बार भी श्री कृष्ण का चिंतन करता है तो उसे अघासुर के समान मुक्ति प्राप्त हो सकती है। फिर उन भक्तों का क्या कहना जो सदैव अपने हृदय में भगवान को धारण किए विचरण करते हैं। कि अगर जो है अगासुर को एक बार हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण बोलने से, कृष्ण भगवान का स्मरण करने से अगर वो सारूप्य मुक्ति मिल गई है, उन भक्तों का क्या कहना फिर तो जो हमेशा कृष्ण भगवान का चिंतन किया करते हैं। यस, ये श्लोक इसमें कर दीजिएगा, ये वाला श्लोक इंपॉर्टेंट है। तो उन भक्तों का क्या कहना जो जानबूझ करके कृष्ण का स्मरण करने के लिए भक्ति करते हैं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम नवदा भक्ति के अलग अलग अभ्यास द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का प्रयास करते हैं, उन भक्तों के बारे में क्या कहना जब अघासुर जैसे राक्षस को सारूप्य मुक्ति प्रदान हो सक प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट, कुछ ही समय में अघासुर का शव सूख गया। बहुत लंबे समय तक वह वहीं पड़ा रहा और वृंदावन वासी कौतूहलवश वहां उसे देखने के लिए आते। जब कृष्ण ने अघासुर का वध किया था तो उस समय कृष्ण 5 वर्ष के थे, परंतु ग्वाल वालों ने ब्रजवासियों को इस घटना का ब्यौरा ठीक 1 वर्ष बाद दिया, मानो वह घटना आज ही हुई हो। ठीक बात है। यह सुनकर महाराज परीक्षित ने पूछा, यह कैसे संभव है कि कृष्ण ने कौमार अवस्था जब वे 5 वर्ष के थे में अघासुर का वध किया और ब्रजवासियों को उसकी पौघड़ अवस्था जब वे 6 वर्ष के थे में इस घटना का इस प्रकार पता चला, मानो वह उसी दिन हुई थी। गुरुदेव, मेरे मन में इस विषय को जानने की बड़ी जिज्ञासा है। प्रतीत होता है कि वह भगवान की माया शक्ति का ही एक और खेल था। अपने अंतकरण में श्री कृष्ण का स्मरण करने के कारण सुखदेव गोस्वामी क्षण भर के लिए अपनी बाह्य चेतना खो बैठे थे। जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को संभाला और महाराज परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देने लगे। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया, हरि बोल। तो वो भी अपना आपा खो बैठे थे सुखदेव गोस्वामी जी, और वो जो है भाव विभोर हो गए थे और अपना उत्तर देने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को। और उत्तर किस प्रश्न का देना है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने जो लीला की वो 5 वर्ष की आयु में की थी, लेकिन जब 1 वर्ष बाद उन्होंने ब्रजवासियों को बताई नंद बाबा और बाकी लोगों ने, तो कैसे उनको वैसे की वैसी ही वो लीला लगी, उनको वो सेम ही अनुभव हुआ, ये कैसे संभव हो पाया। तो ये प्रश्न का उत्तर आगे वाली कथा में होने जाना है, जो कि आई थिंक ब्रह्म विमोहन लीला है, राइट। आगे की आगे आगे का अध्याय कौन सा है, ब्रह्मा जी द्वारा ब्रह्म ग्वाल बालों और बछड़ों की छोड़। विमोहन लीला। अब ये वाला श्लोक देख लीजिए,
दसवें स्कंद का 12वें अध्याय का 39वां श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। सकृद्यद अंगा प्रतिमांतर, थैंक यू, सकृद्यद अंग प्रतिमांतर आहिता मनयोमयी भगवंतिम सॉरी भगवतीम ददौ गतिम सएव नित्यताम सएव नित्यात्म सुखानुभूत्या भी विदुस्तमायोंतरगतो हि किं पुनः। अनुवाद, इफ इवन ओनली वंस और बाय फोर्स वन ब्रिंग्स द फॉर्म ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इन टू वंस माइंड, अगर या तो कोई व्यक्ति सोच के भी समझ करके एक बार, या जबरदस्ती अपने मन के अंदर भगवान श्री कृष्ण के उस रूप को अगर लेके आता है, वन कैन अटेन द सुप्रीम सालवेशन बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा, वो परम मोक्ष का अधिकारी बन जाता है, परम मोक्ष का वो प्राप्त करना करता है भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, एज डिड अगासुरा, जिस प्रकार से अगासुर को मुक्ति प्राप्त हुई। वॉट देन टू बी सैड ऑफ दोज हुज हार्ट हार्ट्स द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड एंटर्स वेन ही अपियर्स एज एन इनकारनेशन, और दोज हु ऑलवेज थिंक ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड हु इज द सोर्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल ब्लस फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज एंड बाय हुम ऑल इल्यूजन इज कंप्लीटली रिमूव। तो बहुत ही सुंदर कहा जा रहा है उन भक्तों के बारे में, क्या कहना, जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं, अपना अवतरण होता है, भगवान श्री कृष्ण प्राकट्य करते हैं, वैसे ही उनके हृदय में वो प्रवेश कर जाते हैं, या हमेशा जो भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का, उनके प्राकट्य का हमेशा चिंतन करते रहते हैं, उनके हृदय में हमेशा भगवान कृष्ण के चरणों का चिंतन चलता रहता है, उन भगवान का जो कंप्लीट आनंद का स्रोत है, और आनंद का स्रोत है, और जो सभी जीवों के लिए और जिनके द्वारा पूर्ण रूप से अज्ञान को नष्ट विनष्ट कर दिया जाता है, ऐसे भगवान को चिंतन करने वाले लोगों के मुक्ति के बारे में क्या ही कहा जाए। ये बहुत ही सुंदर यहाँ पर वर्णन है इस श्लोक के माध्यम से। हरि बोल। तो ये लीला हमने सबने सुनी, अघासुर लीला। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप बने रहिएगा, अभी हम जप करेंगे सब लोग। अभी आई थिंक अगर भगवान की कृपा हुई, यहाँ पर चित्रकूट में ना अभी अपने जो क्या नाम है, महाराज जी आचार्य जी, उनका नाम क्या है, उनकी कथा चल रही है, जो जिनकी आंख है, जो आंख आंख से देख नहीं पाते, महाराज जी राम रामभद्राचार्य जी, प्रभु जी भद्राचार्य जी की कथा चल रही है। तो छोटी सी कथा है, मैं कोशिश करता हूँ आप लोग दर्शन कर पाए, पास में ही है यहाँ पर। तो अभी हम पहले जाप करेंगे, और उससे पहले कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आपको महाराज जी के दर्शन कराने की चेष्टा करूंगा। प्रभु, जब अगासुर इतना 13 किलोमीटर लंबा था तो गांव वालों ने नहीं देखा होगा, 1 ईयर बाद उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। वो इस तरह हाँ हाँ, तो वो इस तरह से अपने आप को बना के रखा है कि वो एक जंगल में गुफा के जैसे फैला हुआ है, जैसा हम लिटिल कृष्णा में देखते हैं। और उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट उत्तर तो यही है कि ये भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला है, तो भगवान क्या चाहते हैं वही होता है। और कोई हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जैसे कथा में अभी हम अभी तक देखते आ रहे हैं कि जैसे अलग अलग प्रकार के असुरों को भगवान मुक्ति दे रहे हैं, तो कई बार ऐसे सेल्फ डाउट आता है कि हम इतने खराब हैं, हमसे इतने गलत काम हुए हैं, शायद पहले के जन्मों में भी होंगे, पता नहीं मुक्ति मिलेगी कि नहीं। तो ये सुन के प्रेरणा मिलती कि करते रहना चाहिए, भगवान जब असुरों को मुक्ति मिली है तो हम लोग को भी मिल सकती है, ऐसा सोचना सही है ना प्रभु? हरे कृष्ण। ऐसा सोचना चाहिए ही चाहिए, और ये भी सोचना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने हमें बोल रखा है कि अगर आप भक्ति करोगे तो भगवान श्री कृष्ण के धाम जाओगे, इस बात के ऊपर हमें विश्वास होना चाहिए। ठीक है, आइए माला जप करते हैं, और मैं आपको ले चलता हूँ राम भद्राचार्य जी की कथा की तरफ। माला हरे जप कराएंगे, कराएंगे
किसने जाप किया, मंत्रोच्चारण किया था? उर्मिल माता जी। आई थिंक नहीं है वो, शायद बीच में चले गए ऐसा लगता है मुझे। यस,